हेलो फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर अंकित पाथुर एंड आई एम एडिशनल डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट कार्डिक सर्जन एट नारायण हॉस्पिटल जयपुर टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव केयर दैट इज़ द पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस मैनी पेशेंट्स आर लाइक हम क्या करें या कि हमें कैसे रहना है एंड इतने सारे फॉल्स बिलीव भी और इंस्ट्रक्शंस देने वाले भी लेमैन में से इतने सारे मिल जाते हैं कि पेशेंट एक्चुअली कन्फ्यूज रहता है एंड एक लॉग ऑफ वुड की तरह वो अपने घर में पड़ा रहता है टिल द फर्स्ट विजिट सो आई मेक श्योर दैट एट द सेवन डेज वैन द पेशेंट इज़ बीग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल आई वॉन्ट टू एश्योर यू कि भाई अपना नॉर्मल एक्टिविटी करनी है थोड़ी बहुत बिस्तर पर पड़े नहीं रहना है इनफैक्ट बहुत सारा जो डाइटरी रेस्ट्रिक्शन भी है वो भी आई थिंक कैन कम लेटर ऑन कोई बाईपास करा के गया है तो उसको ये कहा जाएगा कि अब घी नहीं खाना बट दैट इज़ लाइक यू कैन यू कैन डू इट लेटर ऑन अभी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हमारी रिकवरी है वुंड हीलिंग की है स्ट्रेंथ रिगेन करने की है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वक्त जो है वो थोड़ा सा अच्छा खाना खाएं मेरे ख्याल से बहुत सी दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो कि आपकी बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स को निकालती हैं और बहुत सी वीकनेस आती है बहुत सारा पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ में जो बॉडी में चेंजेस हैं ब्लड के अंदर वो भी आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा लेकर आता है प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है सो आई यूजुअली से फॉर माय फर्स्ट टाइम व्हेन द पेशेंट गेट्स डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल नंबर वन कीप योरसेल्फ मोबिलाइज चलते रहो पूरे टाइम अपने आप को बिज़ी रखो बहुत ज़्यादा मिलने वाले आए ऐसा भी वारंटेड नहीं है बट ऐसा कि आप अकेले कमरे में पड़े हो आप किसी से बोल नहीं रहे हो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको अपना दिमाग डाइवर्ट करना है यू शुड मूव यू शुड मेक फ्रेंड्स यू शुड कॉल योर फ्रेंड्स और थोड़ा थोड़ा टाइम उनसे थोड़ी थोड़ी बातें करें बिल्कुल आप ये है कि उठने बैठने में थोड़ी थोड़ी हेल्प लें बहुत ज़्यादा पुशिंग पुलिंग नहीं होनी चाहिए थर्टी डिग्री के ऊपर आपका जो है वो थोड़ा सा जो है सिर ऊपर रहस्य होते वक्त ये हमेशा ठीक रहता है बहुत सारी आप स्पायरोमीट्री करें जितना भी टाइम फालतू है हम आपको एस्पायरोमीटर देते हैं उसकी जितनी बॉल्स उठा सकते हैं आई से फाइव हंड्रेड टाइम्स अ डे बट इफ़ यू कैन डू 200, 300 टाइम्स 200, 300 बार भी करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा अच्छा खाना खाएं मीन्स उसमें नमक मिर्च मसाले थोड़े बहुत होने हैं एडेड नहीं होना है खाना गरिष्ठ या बहुत ज़्यादा ऐसा लविश नहीं होना चाहिए बट इट शुड बी टेस्टी आप दाल खाएँ रोटी खाएँ अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी कैलोरीज इनटेक थोड़ा कम रखें बहुत डायरेक्टली कोई मीठी चीज़ नहीं लें अदरवाइज़ आप एक थोड़ा फल का टुकड़ा लें रोज़ एक थोड़ा एक टुकड़ा लें इस तरह से अपनी डाइट को चेंज करें वेज लें नॉन वेज भी लें बस उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है घी मक्खन मसाले ये सब नहीं होने चाहिए बट आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अपने आप को मेंटली और फिजिकली फ्री रखें देन योर फर्स्ट विजिट विल कम देन द नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि आप जाने के बाद सात दिन बाद हमें दिखाने आते हैं उस वक्त हम आपको और फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं वेलकम बैक टू यू नदर वीडियो थैंक यू